आज के समय अस्थायी वारंटियों को ढूंढ कर लाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर के समान होता है। एक दो आरोपियों को ढूंढने में ही पसीना आ जाता है, लेकिन बागली अनुविभाग के पुलिस थाना उदयनगर के प्रभारी पतिराम डावरे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि वह पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। उदयनगर थाना प्रभारी पतिराम डावरे द्वारा 15 वर्षों से फरार चल रहे वन अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी फरार एक दो नहीं बल्कि 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर बागली न्यायालय में पेश किया गया। थाना प्रभारी डावरे ने जब 24 आरोपियों को एक साथ बागली न्यायालय परिसर में लेकर पहुंचे तो सब देखकर आश्चर्य रह गए। वहीं पूरे परिसर में यह मामला चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि पुलिस विभाग में पहली बार ऐसा देखने में आया है कि एक साथ 24 अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं पुलिस विभाग में भी इस कार्यवाही को लेकर चर्चा का विषय रहा है। अस्थायी जो वारंटी थे उनको यहाँ पर लाया गया है, तो क्या है पूरा मामला? ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन सर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं SDP साहब के मार्गदर्शन में ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 2006 से स्थायी वारंटी जो वन अधिनियम के तहत जारी हुए थे उनको आज गिरफ्तार करके मान्य न्यायालय पेश की जाए, जो कि जिनकी संख्या 24 है। कितने वर्षों से फरार चल रहे थे? लगभग 15 वर्ष से फरार चल रहे थे, फिर आज बागली न्यायालय में पेश किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।